आपके साथ आयुषी शर्मा, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। लगुन पलदान में दहेज को लेकर की मारपीट और लड़की का भाई और अन्य परिजन सहित चार हुए हैं गंभीर घायल। दूल्हे के भाई ने निकाली है बंदूक और दुल्हन के भाई ने पकड़ी है। वर पक्ष ने वधु पक्ष पर किया है हमला। घायलों को पोरसा चिकित्सालय में दाखिल कराया गया है और वर पक्ष ने 2,80,000 रुपए की कीमत की बुलेट मोटरसाइकिल और 1.5 लाख रुपए मांगे हैं। वर वधु पक्ष ने एक मांग स्वीकार करने पर विवाद हुआ और पोरसा थाना क्षेत्र के सनाईपुरा में मोहित जाटव का होना था। लगुन फलदान बीती रात भिंड जिले के एडोटोरी पाटराई कापुरा से राम सिंह अपनी इकलौती बेटी का लगुन फलदान लेकर आए और वधु पक्ष की शिकायत पर पोरसा पुलिस ने किया साधारण मारपीट का मामला दर्ज। क्या नाम है आपका, कौन से गांव से आए हो, कहां पर लगुन फलदान चढ़ाने के लिए गए थे और क्या घटना घटित तुम्हारे साथ हुई है? हम सत्यनारायण बोल रहे हैं, पाटराईपुरा से सनाईपुरा पे अपनी बिटिया का कहते हैं लगुन टीका लेने के लेके आए थे। क्या घटना घटित हुई है तुम्हारे साथ? घटना ये हुई थी उनकी, क्या कहते हैं, पहले तो 71,000 रुपये इनको हमने दिए थे अपने घर पे, फिर दोबारा इनने बोली गाड़ी लेंगे हम, तो हमारे भतीजे लोग बोले चलो हम गाड़ी दे देंगे अपनी, फिर इनने बोली नहीं अपाची लेंगे, तो हमारे पास एक ही बच्ची थी तो अपनी खुशी के लिए अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकते, तो अपाची भी हमारे भतीजे लोग राजी हो गए थे, तो हम इधर आए ना, तो अभी एटीएम पीटीएम कौन सी गाड़ी होती है, तो बुलेट 2,80,000 रुपये की आती है वो वाली मांगने लगी, तो हम लोगों ने ना पाड़ दी क्योंकि भाई हम नहीं दे पाए, हमारे पास इतना पैसा है पैसा दे सकते हैं, तो फिर कहूँ भैया हमारा बोल रहे हैं कि एक बच्ची तुम दे दो, तो सब ने कही हम तो लगुन टीका दे जाएँ 11,000 रुपये का और पैसे वापसी में, और तुम हम तुमको बुलेट देंगे अपने मढ़ाई पे बुध सराय में, ये बात हुई थी, तो उनने बोला था कि नहीं बुलेट भी देनी पड़ेगी यहाँ पे 1.5 लाख रुपये भी देने पड़ेंगे, नहीं अपना यहाँ से सामान सट्टो बांधो भागो इसके पीछे। चलो हमने बोला चलो भाई, इसके पीछे एक इंसान था बंदूक लेके आया था, तो बंदूक लेके आया हमारा भतीजा था, तो उसने पकड़ लिया, तो उसमें तो मर जाता बेचारा, वो मर गया था, चार इंसानों को क्या कहते हैं सर फटा था, एक लेडीज थी उसमें लेडीज ने पीट पथरा किया था। कितने लोगों ने मारपीट की है? अरे भीड़ भाड़ में क्या पता 10 के 15 नाम नहीं ले सकते। कितने लोग घायल हैं? हमारे 4-5 लोग तो घायल बरोबर में। कितने पैसे छुड़ाए गए आप? 1.5 लाख रुपए हमारे थे वहाँ पे, उनका कोई पैसे हमारे को मालूम नहीं है, कहाँ गए कहाँ नहीं गए। सामान वगैरह क्या लेके गए थे, क्या सामान आपको वापस किया? पूरा था और कपड़ा लगता थे उनको, उनका नहीं पता है घर पहुँचे या ना पहुँचे, घर पहुँच गया हुआ तो हमारा मिल जाएगा, पैसे का पहुँचेगा तो मिल जाएगा, साफ बोलते पैसा का घर पे फल फूल तो कुछ भी नहीं गया है वहाँ हमारे वहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिश कुमार। कहाँ के निवासी हो आप? लगुन लेके कहाँ पे गए थे? ये हमारे गांव वाले सनाई के पूरा लगुन फलदान लेके गए थे कल। क्या विवाद हुआ था उसमें बता रहे थे ये लोग कि इन्होंने 71,000 रुपये पहले घर बुला करके दे दिए थे, फिर उसके बाद लड़के की डिमांड आई कि गाड़ी चाहिए अपाची, तो इन लोगों ने कही ठीक है अपाची दे देंगे, फिर उसके बाद बोलने लगा कि बुलेट चाहिए, फिर बता रहे लोग इन्होंने कही चलो हम बुलेट भी दे देंगे, अब बुलेट ये ग्वालियर लेने गए बता रहे थे ये लोग, ये राम सेवक लड़की का भाई बता रहा था ग्वालियर गए थे, तो ग्वालियर में जो बुलेट लेनी थी ना, तो वो कहने लगा कि मेरे को बड़ी बुलेट चाहिए क्लासिकल, अब क्लासिकल बुलेट लगी तो इन्होंने कुछ अनबन हो गई नहीं बन पाई ये भैया है, उसके बाद कल लगभग फलदान में उनके द्वार पर थे तो जो नौता वगैरह हुआ तो उसके वो भी रखिए कम से कम 24,000 के लगभग नौता हुआ, उसके बाद इन्होंने 1.5 लाख रुपए वो नौता में ला करके 1.5 लाख रुपए इकट्ठा किया कि हम गाड़ी नहीं दे रहे हम पैसा देंगे, तो भैया मेरे उन्होंने लड़के वाले ने कहा कि नहीं हमको क्लासिकल गाड़ी ही चाहिए हमको पैसा एक भी नहीं चाहिए। हाँ तो हमने कही अब लड़की की सगाई है भैया बात खराब हुई हो, बुजुर्ग लोग हैं
और मान सम्मान रहे सबको, अच्छा नहीं लगेगा, सही है कि नहीं। तो लड़कों से मैंने कहा बेटा तुमने कह दीजिए बुलेट की, तुमको बुलेट दे दो। तो इन लोगों ने काफ़ी परेशान हो गया, मैंने कहा कि ऐसा करो बेटा बात मान लो। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है बुलेट दे देंगे और पैसा नहीं देंगे। कि उन्होंने कहा कि एक पैसा हमें एक मत देना, हमें एक एक रुपये दे देना। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है बुलेट दे देंगे। उसके बाद भैया जो बिचौलिया था इनका सत्यपाल सिंह सैनी, तो उन्हें उनको पहुंचाया भैया उनके इस तरफ बात करके आओ क्या मैटर है। तो उनके पास गए तो उन्होंने इनसे बोला कि बुलेट भी चाहिए और गाड़ी भी चाहिए। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भैया इतना नहीं हम दे पाएंगे, तो जो हमारे पास आए तो इन्होंने हमसे बोला कि चलो खड़े है लो, वो मान नहीं रहे अब चलो घर को चलो। इतने भैया में उधर उधर साइड से दो लड़के आए, किसी को एक बंदूक टांग रहा था एक आदमी, उससे बंदूक झपटने लगा। बुलेट के साथ कितने पैसे मांगे थे? बुलेट के पास में मेरे से पैसे की गिनती नहीं हुई, मतलब पैसे भी चाहिए बुलेट भी चाहिए ऐसा मेरे को सुनाई गया, मैं वहीं था। कितने पैसे की मांग हुई थी? डेढ़ लाख हमने इकट्ठा करके रखा था ना, तो उसी को मांग रहा होगा। तो पैसा भी चाहिए और गाड़ी प्लस चाहिए क्लासिकल। तो उसके बाद क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हो आप? इस शादी समारोह कहाँ पे गए थे करने? क्या विवाद हुआ था सराईपुरा में? अरे दहेज के चक्कर में हुआ। दहेज किसने दहेज मांगा था? क्या मांगा था दहेज? गाड़ी मांग रहा था क्लास से। फिर उसकी गाड़ी भी बोल रही थी और पैसा भी बोल रहा था, पैसा भी कोई बात नहीं थी। कितने पैसे की मांग की थी? पैसा 1.5 लाख रुपए थे हमारे लेके गए थे, इतना तो दिन तैयार है गए थे। और कितने पैसे मांग रहा था वो? क्या मांग रहा था? क्लास से गाड़ी दो 1.5 लाख रुपए और दे दो। फिर क्या हुआ? बोल रहा था इंडम सब ने मंजूर कर ली दे देंगे, और मेरे उसका भाई कारू ये क्या जवाब फेर दिया, उन्होंने बोला फेर फाल दिया बंटी में। क्या लोग गाले हुए हैं? 3-4 लोग हैं कथित रूप से, पाकिस्तान करवाए। क्या नाम है आपका? कौन से गांव से आए? कहां पर लगन फलदान चढ़ाने के लिए आए? क्या घटनाक्रम हुई है आपके साथ? मैं पराईपुरा का हूँ सुरेन से। मेरे घटना हुई है लगन चढ़ाने गए सनाई के पुरा, और वहां पे वो मांग कर रहे थे ज़्यादा पैसों की, तो बुलेट गाड़ी और 71,000 रुपया जो हमने दिए थे पहले ठीक है वो भी मांग रहे थे। तो हमने मना कर दिया था और इतने में वो बंदूक लेके आ गया उधर से, उसका भाई बड़ा जो हम संबंध करके गए उसके छोटे भाई के लिए, तो वो आ गया था बंदूक लेके। वो बंदूक मैंने पकड़ ली थी हाथ में। सो वो क्या उसके बंदे थे, ये पता नहीं कितने बंदे थे, उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया। फिर तो मेरे लोग भी थे तो एक दो वो भी आ गए बचाने के लिए मेरे को, वो मर रहे थे। तो फिर वो क्या ये सब लोग हो गए वो, फिर हमको मार मार के, फिर हमारे पैसे भी इकट्ठे थे जो किए थे सब, पता नहीं है कहाँ पे गए, और ना वो कपड़े लगते भी थे उनका भी पता नहीं है। आप क्या लड़की के भाई हो? हाँ हम भाई हैं उसके छोटे। कितने लोग घायल हैं? 4-5 लोग घायल हैं हमारे। पैसे वगैरह तुम्हारे? पैसे वगैरह का कुछ पता नहीं है कहाँ पे गए। क्या नाम है ताऊ आपका? राम सिंह। कहाँ के निवासी हो आप? पड़ा। शादी करने कहाँ पे गए थे? सनाई को पड़ा। क्या विवाद हुआ था वहाँ पे? यही पैसा भैया इकट्ठे हो रहे उनके पहले मांगी मोटरसाइकिल फिर बड़ी बात गई। और फिर और बड़ी कौन सी है कार का पता 3 लाख की कमे आके पैसे हवाए आंदे और गाड़ी ले गए थे। तो फिर क्या हुआ था? फिर कहासी बात में बंदी फंडी को ले आए। कितने लोगों की मारपीट की है? 3 से ही जेल में डरे और एक आध घर को पड़ेगा, 3 से ही नहीं डरेगी। कितने पैसों की मांग की थी?